सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार पर सीधा निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार पर भ्रष्ट होने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है, यह भ्रष्टाचार का मामला है। खास बात यह है कि जिस प्रोजेक्ट में कथित भ्रष्टाचार हुआ है उसकी लागत 100 करोड़ रुपए के आसपास है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतापगढ़ जिले में रानीगंज सीट से विधायक आरके वर्मा निर्माणाधीन राजकीय इंटर कॉलेज की गुणवत्ता जांचने के लिए वहां पहुंचे थे। इस दौरान सपा विधायक आरके वर्मा हॉस्टल के परिसर की निर्माणाधीन दीवार पर चलने लगे तो वहां की ईंटें निकल गईं। इस पर आरके वर्मा ने अपने हाथों से दीवार को धकेलने का प्रयास किया तो वहां की नींव ही ढह गई। यही नहीं, आरके वर्मा ने एक दूसरी जगह पर दीवार को हाथ से धकेला तो वहां की भी नींव ढह गई। आरके वर्मा का कहना है कि जो भी इस धांधली के पीछे जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।